पहले हम एक नॉनस्टिक पैन में हाफ लीटर दूध लेते हैं। ये नॉनस्टिक पैन में इसीलिए लेते हैं क्योंकि इससे ये नीचे में लगेगा नहीं और ये मोटे परत वाली है। ये दूध को उबाल आने तक हम इसे हिलाते रहेंगे धीरे धीरे, देखना है कि नीचे नहीं लग जाए। अब मैं इसमें एक कटोरी मैंगो प्यूरी डालती हूँ। मीठा मैंने लिया था लेकिन आम में एक खटास होती है जो दूध को फाड़ देता है। मुझे कलाकंद बनाना है, कलाकंद को मुझे दानेदार बनाना है, इसीलिए मैं ये आम और दूध का ये दाना बनाना बहुत जरूरी है। इसे तब तक उबालेंगे जब तक ये दाना अच्छे से तरीके से ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स ये किस तरह से दाना आ गया है, दूध फट गया है मेरा। देखिए ये धीरे धीरे आम अपना कलर छोड़ रहा है और ये कितना प्यारा सा एक क्यूट सा कलर बनता जा रहा है। इसे देखते के साथ ही खाने का मन करेगा, इतना स्वीट लग रहा है। अब इसमें मैं एक कटोरी कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। फ्रेंड्स मैं इसमें चीनी नहीं डालूंगी क्योंकि आम बहुत मीठा था और कंडेंस मिल्क भी मीठा है। अगर आप अपना स्वाद के अनुसार, अगर ज़्यादा मीठा लगे तो आप अपना स्वाद के अनुसार मीठा डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसको और ट्राई करूँगी इसी तरह। पाउडर डाल रही हूँ, ये मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, इससे इसका बाइंडिंग में हेल्प मिलता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेक्सचर बहुत ही सुंदर हो जाएगा और इसका बाइंडिंग में भी हमें मदद नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए छोड़ के फिर पूरी तरह से जब नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा हो जाएगा फिर इसे मैं रेफ्रिजरेटर में। इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते डाल दिए मैंने। फ्रेंड्स मैं अब इसे फ्रिज करने के लिए रख देती हूँ।